हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जयरपटा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ पेपर वन में मैथ्स एंड डीए की क्लासेस। तो इसी सीरीज में जो पेपर वन की तैयारी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है दिसंबर 2024 के लिए, तो मैं सुबह 9 बजे आपके लिए मैथ्स एंड डीए लेके आती हूँ। तो उसी में जो है आपको मैथ्स और डीए की प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा पेपर टू कॉमर्स है, कॉमर्स आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर करवाया जाता है। तो पूरा कॉमर्स को भी हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मेरी क्लासेस के सभी लिंक्स एंड सभी पेपर वन क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप एक्सप्लेनेशन से कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेस आपके लिए होता है, जहाँ पे कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम होगा एंड जो है आपके लिए बिल्कुल वही सिनेरियो आपके रहता है जैसे आपका पेपर में होने वाला है। तो ये कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके, जेआरएफ क्लियर करने के बाद कुछ अचीवर्स हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं यूजीसी नेट अचीवर तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलती है और स्टडी प्लानर के साथ जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड पीएचडी काउंसलिंग भी आपकी करवाई जाती है। अगर आप ओनली पेपर वन लेना चाहते हैं तो ओनली पेपर वन ले सकते हैं, और ओनली पेपर टू लेना चाहते हैं, मेरा पेपर टू कॉमर्स है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और एचपीएससी के लिए भी एमसीक्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया, और इसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि इसी वीक से जो है वीकेंड बैच है आपका ये, तो आपके लिए यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल लिंक्स हैं फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, जिनको आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टाइमली हर जगह प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक्स जो आपको मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, इनकी नोटिंग करते रहना, साथ साथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम डीआई को अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलना है, सो दैट लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए चीजें आसान हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेट नेशनल इनकम दी हुई है लाख करोड़ में, और पर कैपिटल नेशनल इनकम दी हुई है। अब नेट नेशनल इनकम क्या होती है कि ओवरऑल कंट्री में कितनी आपने इनकम अर्न की, वो सारी नेशनल इनकम है। पर कैपिटा नेशनल इनकम है कि जो आपकी पॉपुलेशन है टोटल इंडिया में, अगर आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो एक व्यक्ति की कितनी इनकम होगी, वो होती है पर कैपिटा इनकम। तो वो आपको दी हुई है 1000 रुपीज में। तो आपको इस डेटा पे बेस्ड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनपे बेस्ड आपको आंसर है जो निकालने हैं। ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 2015 से लेके 2019 तक, आप बोल सकते हैं 15-16 से लेके 19-20 तक, 5 ईयर्स का आपको डेटा दिया हुआ है, और नेशनल इनकम है टोटल और पर कैपिटा इनकम है, तो इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी यही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने बताई। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक चीज लिख लो, फॉर्मूला क्या है कि जो नेशनल इनकम होती है ना उसको आप जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला ये रहता है, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग, कि जब टोटल पॉपुलेशन आपसे पूछी जाएगी तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। परसेंटेज हमने सीखा था उसी को ही अप्लाई आपको करना है, परसेंटेज और एवरेज। यहाँ पे क्या है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बोला जा रहा है कि जितना 2015 से लेके 2019 तक इंक्रीमेंट था ना, उसी अकॉर्डिंग आपको 19-20 के बाद भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइए 2020-21 में कितनी पर कैपिटा नेशनल इनकम हमारी होगी।
जितना इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है उसी एवरेज रेट से आपको आगे भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो 2020-21 में कितनी पर कैपिटा इनकम होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे तो आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बट थोड़ा सा लेंथी रहता है। और वही चीज होती है डीआई में, ऐसा नहीं होगा 5 के 5 क्वेश्चन बहुत टिपिकल आएंगे, एक क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाएगा जहां पे टाइम लगेगा, बट उसके आगे वाले क्वेश्चन सभी उस पर बेस्ड होंगे तो वो बहुत जल्दी आपके सोल्व हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है इन परसेंटेज। यहाँ पे देखो 95 से 105 हुआ, कितना इंक्रीमेंट आएगा, 10 का इंक्रीमेंट, कितने पे, 95 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर 105 से 115 हुआ, 10 का इंक्रीमेंट आया 105 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर 105 से 126, 115 से 126 हो गया, 11 का इंक्रीमेंट आया 105 पे, ठीक है, 115 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। फिर 126 से 132 हुआ, 6 का इंक्रीमेंट आया, कितने पे, 126 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एक तरीका तो ये है, कितना इतना इंक्रीमेंट आया है इसको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करके एवरेज इंक्रीमेंट आप निकाल लो। बट दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट देख सकते हो कि 2015-16 से 19-20 में कितना इंक्रीमेंट आया, टोटल इंक्रीमेंट निकाल के 95 और 132 का डिफरेंस लेके परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल के एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 5 से, क्योंकि 5 ईयर्स का डेटा है, और फिर इसमें उतने ही परसेंट को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तरीका मैंने आपको बताया है, ये कॉमर्स शिफ्ट की डीआई है बिल्कुल, बट ऐसी डीआई बाकी शिफ्ट्स में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंथी है बट इट इज वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज इंक्रीज हमें निकालना है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो हर साल इंक्रीमेंट देख के टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि 4 बार इंक्रीमेंट होगा 5 ईयर्स में, ऐसे कर सकते हो। दूसरा केस हमने क्या देखा कि हम डायरेक्ट देख लें कि कितना इंक्रीमेंट आया टोटल ओवरऑल। तो 95 2015-16 में था, 132 नेट पर कैपिटा इनकम हो चुकी है 2019-20 में। तो अब हम इसमें जब चेंज देखेंगे कितने का आएगा, 37 का चेंज आएगा बिल्कुल, 95 को माइनस करेंगे 132 में से, कितने पे चेंज आया, बेस 95 है तो 95 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। ठीक है, 19, 20, इस अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे अब आप देख सकते हो 19 का डबल होता है 38 और ये है 37, तो लगभग 2 गुना हो चुका है। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40। तो टोटल चेंज जो मुझे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 40% का, बट ये कितने इयर्स में हुआ, ये 5 इयर्स में हुआ। तो 40 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज रेट पूछा हुआ है कि एवरेज क्या होता है, जब एक वैल्यू आप पूरे के पूरे जो भी गिवन डेट टाइम है उसमें आप डिवाइड कर दोगे, 40 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो लगभग 8% यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब 8% वैल्यू आई है, ठीक है, 8% से एवरेज रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 19-20 से 20-21 में भी 8% का इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिलेगा। 132 मेरे पास ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पे मेरे को 8% और बढ़ाना है, मतलब 108% की वैल्यू निकाल लूं। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, कैसे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया 19 का डबल 38, 40% निकाल के 5 से डिवाइड किया, 8% आ गया, और टोटल हमने निकालना था कि 2020-21 में कितनी पर कैपिटा इनकम होगी, तो 132 तो होगी होगी जितनी है, उससे 8% और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 108% मैंने यहाँ पे वैल्यू है जो इसकी ले ली। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 132 को 1.08 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आएगा 143 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है 143.34 जो इससे मैच कर रहा है। गाइज आंसर करेंगे, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, जो भी आपको लग रहा है वो आंसर करो, सही है या गलत है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी अभी हम सीख रहे हैं।
बट हाँ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मैम यहाँ पे हम कैसे इसको 40% बना लें जल्दी, तो ये चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। और इसका एक तरीका हमें ये सीखने को मिला यहाँ से कि जब भी एवरेज रेट इंक्रीज पूछा जाए ना, तो प्रीवियस जो सबसे पहला साल है और जो सबसे लास्ट वाला साल है उसका डिफरेंस निकाल लो, और एवरेज करने को बोला है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। अदरवाइज अगर आप सिंगल सिंगल जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा, प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं, आंसर तो उससे भी आएगा इससे भी आएगा, बट टाइम हमें सेव करना है। तो नेट इफेक्ट आप देख लो, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या चीज थी, 95 पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा इनकम तो पता है ना कि प्रति व्यक्ति कितनी आय है हमारी पूरे देश की, ठीक है। ये 95 थी 2015-16 में, 2019-20 में ये हो जाती है 132। आपसे बोला गया है कि जो 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है ना, 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, इसके एवरेज में जो इंक्रीमेंट आया ना, उतना ही इंक्रीमेंट आपको आगे आने वाले ईयर्स में देखने को मिलेगा। तो जितना 2015 से लेके 2019 तक चेंज आया, उसका एवरेज चेंज ही आपको देखने को मिलेगा आगे 2020-21 में। तो मैंने ये देखा कि ओवर 5 ईयर्स मेरा कितना यहाँ पे चेंज आया है, ये चेंज आया है 37 का, कितने पे, 95 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया, 5 के टेबल पे कट किया, ये 19 पे चला गया, ये 20 पे चला गया। अब मैंने ये चीज देखी कि 19 का डबल होता है 38, यहाँ पे 37 है, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेशन में 2 ले सकती हूँ। तो 2 × 20 किया तो 40% का चेंज मुझे देखने को मिला। ये चेंज आया है 5 साल में। अब एवरेज चेंज निकाल लूंगी कि हर साल कितना चेंज आया, तो हर साल कितना चेंज आएगा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 8 = 40 होता है, तो 8% का चेंज आया हर साल। हर साल अगर 8% का चेंज आ रहा है, तो 2019-20 से 20-21 में भी 8% का चेंज आएगा। अब 8% का चेंज आएगा तो आप क्या करोगे, जो 2019-20 में आपकी वैल्यू थी पर कैपिटा इनकम की, दैट इज 132, इसमें 8% और ऐड कर दोगे 2020-21 के लिए। 8% ऐड करने का मतलब कि 100% ये वैल्यू तो रहेगी रहेगी, 8% और इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। तो 132 का मैं बोल रही हूँ 108% आप निकाल लो, तो जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 4 के टेबल पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 पे चला जाएगा, ये 4 के टेबल पे कितने पे जाएगा, 25 और 8 33 पे चला जाएगा, ठीक है, ये 33 पे गया। देन अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये पॉइंट्स में आएगा बेसिकली, क्योंकि 108% है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप 110 मान के चलो, इसको 25 के टेबल पे, ये 5 पे चला जाएगा, और ये 5 पे 110 को करोगे तो ये 22 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आपके पास आंसर आ रहा है, 33 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 33 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 726, और इसको करेंगे 5 से डिवाइड। जब भी 5 से डिवाइड करना है तो हमने एक चीज सीखी हुई है, ठीक है, वो क्या है, वो चीज क्या है, 726 को 5 से डिवाइड करना है। तो मैं बोलती हूँ 5 से डिवाइड मत करो, आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 लगाना बहुत इजी होता है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो 2/10 से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 726 को 2 गुना करना है, 2 × 5 = 1452, 145.2, इतना आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है हमें, जब भी आप अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, 110 लिया था, जिसकी वजह से 22 पे कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे न्यूमिरेटर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा ली, तो आंसर भी मेरा थोड़ा सा ज्यादा आया है। तो अब आंसर क्या होगा, जो इससे थोड़ा सा कम आंसर होगा, दैट विल बी माई आंसर, ठीक है। अब ये मैं कैसे अप्रोक्सीमेशन में लेके जाती हूँ, देखो 37 है, 37 को मैंने 38 बनाया, क्यों बनाया, अपना क्वेश्चन ईजी करने के लिए। ये डीआई में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके करने की कोशिश करोगे ना, तो डीआई हमेशा बहुत ज्यादा लेंदी आपके लिए हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन में हमें चलना है, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर निकल जाता है। देखो यहाँ पे 40/5 बना लिया तो 8 बन गया। अब यहाँ से 8 की जगह ना यहाँ 37 था, तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है, 0.01 का, 0.02 का, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। 8% लेके सॉल्व कर लो, यहाँ पे भी 108 था, मैंने इसको 110 बना लिया, बट मुझे ये पता है अगर मैं न्यूमिरेटर को बढ़ाऊंगी तो आंसर भी मेरा ज्यादा आएगा। तो जब एक्चुअल आंसर की बात करूंगी ना मैं, मेरा आंसर तो ये आया, अब एक्चुअल आंसर क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम 80 ऑप्शन है, 143.34, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा कि ओवरऑल आपको इंक्रीज देखना था, अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करना, आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है कि आप ये बताइए कि परसेंटेज इंक्रीज
नेट नेशनल इनकम में ओवर प्रीवियस ईयर किसमें सबसे ज्यादा है? नेट नेशनल इनकम इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, हमें ये बताना है कितना परसेंट इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा ईयर में हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें है, डिफरेंस ज्यादा नहीं देखना, परसेंटेज डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, 14 का डिफरेंस है कितने पे, 122 पे, फिर 136 और 151, इसमें आप डिफरेंस देखो ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालो। ऑप्शन नंबर सी डी ए, काफी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। आपको ना इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन पावर यूज करनी होगी अपनी, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि परसेंटेज इंक्रीमेंट मुझे निकालना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कितना डिफरेंस आ रहा है और कितने पे डिफरेंस आ रहा है मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया कितना इंक्रीमेंट आएगा और कितने पे इंक्रीमेंट आएगा। बट एक चीज अब यहाँ पे समझने वाली क्या है, अब एक चीज आपको ये देखनी होगी कि डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है 14, 15, 16 और 10। ठीक है, डिफरेंस इतना आ रहा है, जो इफेक्ट आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर की वजह से। ठीक है, अब 122 का अगर मैं 10% निकालती हूँ तो वो 12.2 होता है, वहीं पे अगर 136 का 10% निकालती हूँ तो वो 13.6 होता है, 151 का 10% निकालूंगी तो 15.1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 10% 10% 10% की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंस है 14 का, यहाँ पे है 15 का, बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं 1% की बात करूं तो यहाँ पे 1% होगा 1.22 और यहाँ पे 1% होगा 1.36। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर कितना है, क्योंकि डिनोमिनेटर के बेसिस पे न्यूमिनेटर का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे 122 है और उसका 1% है 1.2, 136 का 1% है 1.36, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है न्यूमिरेटर्स के बीच में वो है 1 का, 14 से 15। बट अगर 10% की बात करूं तो 0.2 और 0.3 है, तो 0.1 का डिफरेंस है। तो आपको नहीं लगता कि 15/136 थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर होगा? जो चेंज आएगा वो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, 14/122 करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, 11.47 बन रहा है आंसर। 1500 को डिवाइड करोगे 136 से तो ये कितना बन रहा है, 11.02। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर छोटा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसकी वजह से जो आंसर आएगा वो आंसर कहाँ पे ज्यादा आएगा, 14/122 में ज्यादा आएगा। अब 14/122 में ज्यादा आएगा तो परसेंटेज चेंज हमें कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, 2016-17 में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली आप सोल्व करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास आंसर आएंगे, जैसे यहाँ पे 11.47 आएगा, यहाँ 11.02 आ रहा है, तो ज्यादा चेंज तो 11.47 में आ रहा है। ये दोनों को तो मैं देख भी नहीं रही हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 16 है और यहाँ 151 है, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये तो 10% से कम ही जाएगा, ये भी 10% से कम जाएगा, इनको तो कैंसिल कर दू। अब ए और बी ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो यहाँ पे क्या है 11.47 और 11.02, तो 11.47 11.02 से ज्यादा है, तो ज्यादा चेंज ही हमें पूछा गया था, तो 2016-17। डी जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो सी आंसर दे रहे हैं वो आंसर थोड़ा सा गलत है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 2016-17 में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसको समझने का तरीका क्या है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ 122 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ है 15/136 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे देखो 14/122 और 15/136, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है न्यूमिरेटर में, बट डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफी ज्यादा है, 14 का डिफरेंस है। ठीक है,
अब 14 का डिफरेंस है ना, 14 का एक 10% कितना है, 1.4। तो अगर मुझे ये दोनों नंबर को बराबर लेके चलना है ना, तो इनमें 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए था कम से कम, बट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 का है, जिस वजह से ये जो ऑप्शन है वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 और वहां पे 15 है, 0.4 से वो नंबर कम है। अगर यहाँ पे 15.4 होता ना, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है? अदरवाइज करने के लिए तो आपके पास 10 मिनट है, बट कैसे आप कम समय में कर सकते हो, वो ही ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगी, ठीक है? एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि क्या चीज हमें लेके चलनी है। जब भी आपके पास इस तरीके से नंबर आते हैं ना, तो जो डिनोमिनेटर में डिफरेंस होता है, 122 और 136, कितने का डिफरेंस है, 14 का। इसका 10% निकाल लो, कितना होगा इसका 10%, 1.4। और जो न्यूमिरेटर है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 1 का। तो कम से कम 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए था अगर इन दोनों नंबर्स को बराबर दिखना है। तो ये दो नंबर बराबर नहीं है, जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है, ज्यादा बड़ा होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता तो ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा होता, डिफरेंस कम है तो ये वाला नंबर होगा जो वो ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है? ये अपनी नोटबुक्स में लिख लो स्टार मार्क करके, क्लियर? तो यहाँ पे जो नंबर होगा 14/122, दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू 15/136। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2016-17। हाँ, डिनोमिनेटर के 10% से क्यों कंपेयर कर रहे हो, इसलिए कंपेयर कर रहे हो क्योंकि न्यूमिरेटर में क्या होता है कि इतने का इतना पोर्शन इतना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 122 का 10% 12.2 था, 136 का 10% 13.6 होता है। इनमें जो डिफरेंस है वही तो इसमें डिफरेंस आएगा ना, ठीक है? 1.4 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो डिनोमिनेटर की वजह से आ रहा है। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, जितना डिफरेंस होता है ना डिनोमिनेटर में, उसकी परसेंटेज वैल्यू आप निकाल के देख लो, अगर उनमें इतना ही डिफरेंस आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैच करेगा। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो बड़े वाला नंबर जो होगा डिनोमिनेटर, वो आपका आंसर होगा। अगर डिफरेंस कम आ रहा है, जितना इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, डिनोमिनेटर के 10% से कम डिफरेंस है, तो जो छोटे वाला नंबर है आपका, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा नेशनल इनकम ड्यूरिंग 5 ईयर्स। अब हमने अभी अभी सॉल्व किया था, सेम वही यहाँ पे यूज होगा जो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। आपको बताना है 5 ईयर्स में कितना चेंज आया है। आज की क्लास में ना आपको चीजें नोट डाउन बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है? और यही ऑब्जर्वेशन है जो आपको हेल्प करेगी पेपर में, और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां पे भी इन चीजों का यूज हो सकता है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी डीआई में। अदरवाइज डीआई बहुत ज्यादा टिपिकल आ रही है, ठीक है? 15 से 20 मिनट आपके डीआई में लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी किसी पेपर में शायद आपको टाइम मिल सकता है कि आप डीआई को 15 मिनट दे दो, बट मोस्टली पेपर में आपको डीआई को 10 से 12 मिनट ही देने हैं। इससे ज्यादा अगर टाइम दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो यही तरीके हैं, अब आपको ये चीजों पे काम करना होगा। पहले थोड़ी इजी डीआई आती थी जो हो जाती थी 10-12 मिनट में, बट अपनी आंख होती। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है मेरे पास, बाकी सभी भी ट्राई करो। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है? आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी अभी सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, 95 से 132 कितना चेंज आ रहा है।
37 का चेंज आ रहा है कितने पे, 95 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमने यहाँ पे निकाला था अप्रोक्सीमेशन चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इसको क्या लिया था, ये 19 पे कैंसिल किया था, इसको 20 पे, अब 19 का डबल 38, मैंने इसको 2 मान लिया, 38 मान के 2 पे कैंसिल किया था, मतलब 40%। बट क्या इसका आंसर 40% होगा? नहीं हो सकता, मैंने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को थोड़ा बड़ा लिया था तो आंसर थोड़ा छोटा आएगा, तो छोटा होगा तो 40 से छोटा, एक ही ऑप्शन है हल्का सा छोटा, तो 38.94 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है अप्रोक्सीमेशन का फायदा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही दिया हुआ है, पेपर में देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको ये आंसर देना चाहिए था 39, 40, 41, 42 दे देते, 40 हमारा आंसर आ रहा है लगभग, पर इन्होंने दिया 38.94 कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज होना ही नहीं है, बेसिक यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले टोटल करेंगे सबको, फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो टोटल करेंगे 100, 200, 300, 400, 400 प्लस 9 एंड 1 10, 10 एंड 2 12, 12 एंड 3 15, 150, फिर प्लस करेंगे 10, 20 और 13, 23, टोटल कर लेंगे। हमेशा ऐड कैसे करना है, प्लेस वैल्यू वाइज आप ऐड करोगे, पहले 100 वाले टर्म्स, फिर 10 वाले प्लेस वाले टर्म्स, फिर 1 प्लेस वाले टर्म्स, इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो 3, 7 एंड 5, 573 हो गया, इसको डिवाइड करना है 5 से, अब 573 को 5 से डिवाइड नहीं करना, 10 by 2, 2 by 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डबल करेंगे इसका, यहाँ बनेगा 1146, 10 से डिवाइड कर देंगे 114.6 आंसर आ जाएगा, बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है उसको आप क्या करिए, उसको आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, ठीक है, और आपके पास क्या निकल के आती है, नेट पर कैपिटा नेशनल इनकम आएगी, ठीक है। तो हमें पर कैपिटा नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, तो पॉपुलेशन में आप चेंज बताना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है कि 2015-16 से लेके 2019-20 में पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, तो हमें ये चीज पता है यहाँ पे कि 122 टोटल इनकम है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो 95 आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो 2019-20 में क्या है, 132 है, इसको डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो आंसर आएगा यहाँ, सॉरी 177 है, इसको डिवाइड करेंगे एन से तो 132 आंसर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 122 को 95 से डिवाइड कर दो, ये 2015 में निकलेगी, और एन की वैल्यू 2019 में कितनी होगी, 177 को 132 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमें इसको थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, 122 डिवाइडेड बाय 95, ये 1.28 आ रहा है, ठीक है, और ये आता है 1.34, आप इनको टू प्लेस तक लेके चलो, 1.28 और 1.34, इसमें जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है 0.06 का, ठीक है, 0.06 का डिफरेंस है, 1.28 पे डिफरेंस है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा टू प्लेस वैल्यू तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टू डिजिट तक, यहाँ पे 34 और 28 है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस है 0.06 का 1.28 पे, आप इसको आप सॉल्व करोगे 6 डिवाइडेड बाय 1.28, तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा। यस, अब आ रहा है 4.6 समथिंग, दैट इज 4.4 के बराबर। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे था 122 टोटल नेशनल इनकम थी, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है, पर कैपिटा इनकम कितनी दी हुई है, पर कैपिटा इनकम आपको दी हुई है यहाँ पे 95, ठीक है, और वही 2019 में क्या है, 177 को एक्स से डिवाइड करोगे 132 आएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पॉपुलेशन में कितना चेंज आया वो निकालना है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी तो 122 को 95 से डिवाइड करूंगी और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 1.28 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज है वो ध्यान में रखने वाली क्या है कि जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको जो वैल्यू है वो सेम लेके चलनी है। यहाँ पे अगर मैं दो डिजिट तक लेके जा रही हूँ पॉइंट के बाद तो यहाँ पे भी दो डिजिट तक लेना है। मैंने यहाँ पे 1.3 ले लिया था वन डिजिट तक जो कि गलती थी एक, ठीक है। तो 177 को 132 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.34। दो डिजिट तक आप लेके चलोगे, ठीक है, दोनों में सेम सेम आपको लेके चलना है। तो दो डिजिट तक लिया हमने डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना है पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन निकल के आ गई, पॉपुलेशन में चेंज निकालना है कितना परसेंट चेंज होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज आया है 0.06 का, कितने पे, 1.28 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जीरो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 600 डिवाइडेड बाय 128 आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 4.4 समथिंग, 4.6 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको लेना है तो 4.4 ही आपका करेक्ट आंसर होगा।